प्रश्न पत्र भाग एक आपके साथ शेयर किया था, तो आशा है आपने उस प्रश्न पत्र को जरूर हल कर लिया होगा। आज हम करेंगे प्रश्न पत्र दो। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके प्रश्न पत्र में सबसे पहले तो यही लिखा होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे प्रश्न के हल करने हैं। आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि मैंने डाला हुआ है, सही उत्तर पर सही के चिन्ह का निशान लगाएं। अब यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि आम बेचने वाली लड़की कितने साल की है। तो सही उत्तर क्या होगा, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की। सही उत्तर है 6 साल की। आपने पढ़ा होगा कविता में। प्रश्न दो है, क्या लड़की आम के पैसे लेती है? हाँ, नहीं, कभी नहीं। तो क्या लड़की आम के पैसे लेती थी? नहीं लेती थी, कभी नहीं लेती थी वो। तो यहाँ हम नहीं पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरियों पर, सड़क पर कि पानी में? तो सही उत्तर क्या होगा, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरियों पर चलती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी सवारी के लिए टिकट नहीं लगता? कौन सी सवारी के लिए टिकट नहीं लगता? रेलगाड़ी में टिकट देना पड़ता है, रिक्शे वाले को भी हम किराया देते हैं, लेकिन जब हम साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें कोई भी टिकट नहीं देना पड़ता। तो हमारा उत्तर होगा साइकिल, इस पर चढ़ने के लिए हमें किसी तरह का कोई पैसा, कोई टिकट नहीं लेना पड़ता। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5, मकड़ी क्या खा रही थी? मकड़ी लकड़ी खा रही थी कि ककड़ी खा रही थी कि खीरा खा रही थी? सही उत्तर आएगा ककड़ी। तो हम ककड़ी पे टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पकौड़ी तेल में कैसे नाची? पकौड़ी तेल में छुन छुन नाची, रुन झुन नाची कि सुन सुन नाची? तो सही उत्तर है हमारा छुन छुन नाची। भोपू की आवाज कैसी होती है? भोपू, टेटे या छुक छुक? तो सही उत्तर क्या होगा, भोपू की आवाज कैसी होती है? भोपू, आपने पढ़ी है ना किताब में। अगला प्रश्न है हमारा, हम फलों व सब्जियों को